गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी क्लास ऑफ सेवेंथ। चिल्ड्रन, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द सिक्स ग्रेट मुगल्स, देयर राइन एंड देयर पीरियड ऑफ मीन्स राइनिंग। And we also studied about this Sher Shah Suri and his dynasty and about the administration and reforms done by them. Okay, so in today's video, I will be proceeding further and I will be telling you about the army administration and Mansabdari system of the Mughal Empire. So let's get started. Okay, so army administration. The Mughal army consisted of cavalry, infantry, artillery and elephants. ठीक है, तो जो मुगल आर्मी थी उसमें कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार, ऐसी आर्मी जिसमें घोड़े होते हैं। देन इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, ओके, एंड देन आर्टिलरी मीन्स जो धनुष बाण चलाते हैं, एंड द एलिफेंट्स। सो इट वॉज अ वेरी वेल डेवलप्ड आर्मी ऑफ द मुगल एम्पायर। द मीर बख्शी वॉज द इंचार्ज ऑफ द आर्मी। And who was the commander in chief? Mir Bakshi. He was responsible for recruitment of the soldiers, maintaining their hulya, looking after the branding of horses and the elephants, and he even commanded the army when asked to do. ठीक है, तो वो recruitment करता था कि कौन से soldiers को army में होना चाहिए, elephants और horses की branding कौन से होने चाहिए उसमें, और जो भी उसको orders मिलते थे king से वो उनको follow करता था। He also looked after all sorts of supplies to the army and training of the soldiers. और soldiers की जो training है और army की जो requirements है वो सारा कुछ मीर बख्शी देखते थे। मीर बख्शी also deputed mansabdars for the security of the palace and changed them every day. और जो मीर बख्शी थे, he was in charge of mansabdar. mansabdar जो कि palace की security का, जो महल की security करते थे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते थे और साथ ही साथ डे बाय डे मनसबदार डेली चेंज करते थे। अबव ऑल ही वाज द मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द एम्परर। और इसके अलावा वो मिलिट्री एडवाइजर थे एम्परर के, मिलिट्री में क्या होनी चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, ही यूज्ड टू एडवाइज टू द एम्परर। ओके, द मीर ए आतिश और दरोगाए तोपखाना वॉज इन चार्ज ऑफ द आर्टिलरी ऑफ द एम्परर। और जो मीर ए आतिश या दरोगाए तोपखाना थे वो इंचार्ज थे आर्टिलरी का, मतलब जहां पे सारे औजार तोप रखे जाते थे वहां के। द दरोगाए डाक चौकी वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। ही कलेक्टेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज हु वर अपॉइंटेड बाय हिम इन द प्रोविंसेस और एल्सवेयर, एंड इन टर्न केप्ट द एम्परर इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरी इम्पोर्टेंट अफेयर विद इन द एम्पायर। सो जो दरोगाए डाक चौकी थे वो पूरे स्टेट के बारे में एम्परर को खबर करते थे। ओके, नाउ मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम वर्ड बना है मनसब से, एंड द वर्ड मनसब मीन्स अ पोजिशन और अ रैंक। तो मनसबदारी सिस्टम बना है वर्ड मनसब से, जिसका मतलब होता है कोई भी पोजिशन या रैंक। ठीक, कोई भी आपको पोजिशन दी जाती है। अ मनसबदार वॉज ए पर्सन हु होल्ड्स ए मनसब। और मनसबदार वो पर्सन है जिसको कोई रैंक मिलता है। अकबर ऑर्गेनाइज्ड हिज नोबिलिटी एंड आर्मी इनटू द मनसबदारी सिस्टम। एंड एम्परर अकबर ने जो भी उनकी नोबिलिटी थे, जो भी उनके मंत्री थे, उनको मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया था। दिस सिस्टम वॉज नॉट हेरिडिट्री। ये सिस्टम हेरिडिट्री नहीं था। ऐसा नहीं है कि पापा को अगर ये पोस्ट मिली है तो बेटे को भी ये मिल जाएगी। When a mansabdar died, his jagir was given away to someone else. जब कोई मनसबदार मर जाता था उसकी जागीर किसी दूसरे को दी जाती थी। Under this system, grading was used by the Mughals to fix the following. और मनसबदारी सिस्टम क्यों यूज किया जाता था? उसमें सबसे पहले रैंक देते थे, सैलरी देते थे और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। There were two ranks, जाट and सवार. The rank and salary were determined by the numerical value called जाट. ठीक, और जो रैंक और जो सैलरी होती थी, जो पोजीशन उनको देना है, ओहदा देना है, वो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको जाट कहते हैं उसके द्वारा अपॉइंट करते थे। द जाट रैंक फिक्स द पर्सनल स्टेटस एंड इनकम। और जो जाट रैंक था उससे किसी भी पर्सन की पर्सनल स्टेटस और इनकम का पता चलता था।
इट डिटरमाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स अंडर हिम, और जार ट्रायंगल से पता चलता था कि उसके अंदर कितने सोल्जर्स काम करते हैं. द हाइयर द जार द लार्जर द सैलरी एंड द स्टेटस ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन. जितना ज्यादा जार हाइयर होगा, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके अंडर काम करेंगे, उतनी ही आपकी सैलरी इनकम ज्यादा होगी और उतना ही स्टेटस भी ज्यादा होगा. द सवार रिफर टू द नंबर ऑफ हॉर्सेस और कैवलरी मेंटेन बाय द मनसबदार. और सवार क्या होता था, ये जो नंबर ऑफ हॉर्सेस या कैवलरी, घुड़सवार जो होते हैं, मनसबदार उनकी देखभाल करता है, उसी को सवार कहते हैं. द मनसबदार्स वेर लॉयल एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थ्रू हुम द एम्परर कंट्रोल द एम्पायर. और जो ये मनसबदार होते थे, ये बहुत ही ऑफिशियल पर्सन होते थे एम्परर के, और साथ ही साथ बहुत ही लॉयल होते थे. देयर सैलरी वॉज फिक्स्ड इन कैश, और उन्हें फिक्स सैलरी मिलती थी कैश में, ठीक है. However, they were given jagirs for maintaining the expenses. और हालांकि उनको जागीर जो दी जाती थी प्रॉपर्टी, उसके मेंटेनेंस के लिए उनको एक्सपेंस मिलता था. The revenue of the jagir was landed state became the income of the मनसबदार. और जो भी रेवेन्यू जागीर से मिलता था, जो भी टैक्स उनको मिलता था, वो उनका इनकम का जरिया होता था. The मनसबदार used this money to pay his soldiers and maintain his household. और मनसबदार उसी पैसे को अपने घरेलू खर्च के लिए, पर्सनल इनकम के लिए यूज करते थे, साथ ही साथ जितने सोल्जर्स उनके अंडर काम करते हैं उनके एक्सपेंस के रूप में यूज करते थे. द मनसबदार वॉज पर्सनली चोजन बाय द एम्परर एंड कुड बी प्रमोटेड डिमोटेड और ट्रांसफर्ड. और जो मनसबदार थे वो एम्परर उनको पर्सनली चुनते थे, वो एम्परर चाहे तो उनको प्रमोट कर सकते थे उनके वर्क के अकॉर्डिंग, या डिमोट भी कर सकते थे इफ दे आर नॉट वर्किंग, एंड ट्रांसफर्ड ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, नाउ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेवेन्यू? रेवेन्यू यानी कि लगान या टैक्स जो कि हम पे करते हैं, किसी चीज को यूज करते हैं. जैसे हम गुड्स टैक्स देते हैं, जीएसटी है ना, गुड्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है. तो टैक्स जो कर होता है उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू. और इस रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर कैसे होता था मुगल एम्पायर में, वो पढ़ते हैं. टू सस्टेन सच ए लार्ज एम्पायर द मुगल एम्प्रेस नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो मुगल एम्पायर काफी बड़ा था और उसको रन करने के लिए फाइनेंशियली पैसे की बहुत जरूरत थी. फॉर दिस दे डिपेंडेड ऑन टू रेवेन्यू सोर्सेज. और इसके लिए उनके पास रेवेन्यू के दो सोर्सेज थे, पहला था लैंड रेवेन्यू एंड सेकेंड था ट्रेड रेवेन्यू. ठीक, लैंड रेवेन्यू जो कि एग्रीकल्चर से मिलता था, और ट्रेड रेवेन्यू यानी जो कि बिजनेस से मिलता था. मोस्ट रेवेन्यू रिफॉर्म्स वेर कैरीड आउट बाय एम्परर अकबर. जितने भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स चेंजेस हुए थे वो ज्यादातर मुगल एम्परर अकबर ने किया था. नाउ लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं. राजा तोदरमल अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर. Who was Akbar's revenue minister? Yes, it was Raja Todarmal. He was the main architect of the Akbar's land revenue system. वो main architect थे अकबर के land revenue system में, सारा कुछ plan करते थे. This system of land revenue was known as Todarmal's Bandobast. और जो system उन्होंने शुरू किया था तो वो उन्हीं के नाम पे था, Todarmal's Bandobast. Under this system, land was measured and according to the fertility of the land, it was categorized as good, average or bad. तो इसमें सबसे पहले क्या करते थे, लैंड को मेजर करते थे, उसकी नाप लेते थे, और फिर उसकी फर्टिलिटी, कितना फर्टाइल है, कितना उपजाऊ है जमीन, उसके अकॉर्डिंग उसको गुड, एवरेज और बैड में डिवाइड कर देते थे. द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली. और उसी के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू फिक्स करते थे. अगर लैंड बहुत गुड है तो रेवेन्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पैदावार ज्यादा होगी तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगी. लैंड अगर बैड है तो रेवेन्यू कम होगा. ओके, तोदरमल ऑर्गेनाइज्ड इट इन सच ए वे दैट ड्यूरिंग एवरी सीजन सर्वेयर्स विजिटेड द विलेज. और राजा तोदरमल ने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि हर सीजन, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, एवरी सर्वेयर जो जाते थे रिकॉर्ड मेंटेन करने, वो विजिट करते थे. दीज सर्वेयर्स मेजर्ड द लैंड. अर्लियर रोप्स वेर यूज्ड एज अ टूल फॉर मेजरमेंट. और जो ये सर्वेयर्स थे वो लैंड को मेजर करते थे, और मेजर करने के लिए वो किसका यूज करते थे,
टूल्स, जो औजार था उस टाइम तो मेजरिंग टेप नहीं था, सो दे यूज्ड रोप्स, रस्सी. तोदरमल रियलाइज दैट रोप्स श्रैंक व्हेन ड्राई एंड लेंथेंड व्हेन वेट. तो तोदरमल ने देखा कि जो ये रोप्स है वो श्रैंक हो जाते हैं व्हेन ड्राई, जब ये सूख जाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं और जब गीले हो जाते हैं तो बढ़ जाते हैं. द रीड्स वेर जॉइंड टुगेदर विद आयरन रिंग्स, सो उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया, बैम्बू रीड रोप्स. बैम्बू रीड रोप्स, उसमें उन्होंने जगह जगह आयरन रिंग्स लगा दिए. दिस डिवाइस ब्रॉट अबाउट एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, और इस तरह से जब वो मेजरमेंट लेते तो वो एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट आता था, राइट. द शाला सिस्टम वॉज अनदर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1580. According to this system, the peasants were told to pay tax that was fixed on the basis of the average produce and average price over the last 10 years. इसमें क्या होता था? The shala means the means 10 means जो भी peasants थे, farmers थे, उनको 10 सालों का average जो भी price रहता था उसके according revenue देना पड़ता था. Normally 1/3 of this amount was paid to the ruler. और नॉर्मली एक तिहाई दिया जाता था. एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट द विलेज हेडमैन नोन एज मुकद्दम कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू इन कैश और इन काइंड एंड गेव देम ए रिसिप्ट. और जब फाइनली हार्वेस्ट का टाइम आता था, कटाई का टाइम आता था, जो हेड ऑफ द विलेज मैन होता था जिसे हम मुकद्दम कहते थे, वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और या तो कैश में कलेक्ट करते थे, ठीक है, और या तो अनाज के रूप में कलेक्ट करते थे और फाइनली उनको एक रिसिप्ट देते थे. आफ्टर दैट ही पेड द होल अमाउंट टू द स्टेट ट्रेजरी. उसके बाद वो सारा अमाउंट जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू से, वो कहाँ दे देते थे? ट्रेजरी, खजाने में जमा कर देते थे. ओके, नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस. अब मुगल एम्पायर के टाइम लोगों की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल, सामाजिक कंडीशन कैसी थी? ओके, The Mughal court is ceremonial court. The Mughal court was headed by the emperor. हमने पढ़ा है कि मुगल कोर्ट एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, जिसमें एक जैसे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. सारा रूल्स, रेगुलेशंस, जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, वो मुगल एम्पायर के पास ही होती थी. He sat on a magnificent throne, और वो बड़े से सिंहासन पे बैठते थे. The nobles sat at a lower level than the emperor, और जो उनके nobles मिनिस्टर्स थे वो उनसे थोड़ा नीचे बैठते थे. द इम्पोर्टेंट नोबल्स सैट नियर द एम्परर, और जो उनके खास नोबल्स थे, जो खास मिनिस्टर्स थे, वो उनके पास बैठते थे. देयर वर टू हॉल्स ऑफ ऑडियंस, दो ऑडियंस का हॉल था. पहला था दीवाने खास और दूसरा था दीवाने आम. दीवाने खास वॉज फॉर द स्पेशल पर्सन एंड दीवाने आम वॉज फॉर द कॉमन पीपल. This was the hall of private audience. ये private audience के लिए था. Here the reports from nobles and other heads were read at an assigned time. ये सिर्फ private purpose के लिए use किया जाता था. Nobles कोई बात discuss करना चाहते हैं या emperor कोई बात minister से discuss करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो दीवाने खास में discuss करते थे. Then दीवाने आम, this was the hall of public audience. ये public के लिए था. The general public could come and put their problems before the emperor. इसमें अगर कोई भी problem है public को, प्रजा को कोई भी problem है, तो वो आके राजा के सामने अपनी problem को discuss कर सकते थे. Sijda and pabos were performed before the emperor. Sijda मतलब आने के time वो सलाम करते थे और जाने के time भी, तो ये सारा perform होता था. During Akbar's reign, however, Kurnish and Taslim were also performed. Okay? Towards the 17th century, the Mughal court saw a division, the orthodox and the liberals. और जब 17th century आया तो Mughal court दो part में divide हो गया, एक orthodox, एक liberal. Orthodox मतलब जो कि old religion rules को follow करते आ रहे, और जो liberal है वो थोड़ा liberty देते हैं, new thoughts के साथ आते हैं. The liberal group was powerful during the reign of Jahangir and Shah Jahan. और जो लिबरल रूलर्स थे वो कौन कौन थे? जहांगीर और शाहजहां थे. एंड द ऑर्थोडॉक्स वेयर ड्यूरिंग द औरंगजेब टाइम. ओके, नाउ द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मींस खेती, कृषि. एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन दोज टाइम्स एंड लैंड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. तो उस टाइम एग्रीकल्चर
प्राइमरी ऑक्यूपेशन था किसका? यस, लोगों का ड्यूरिंग मुगल टाइम, वो उसी से अपना जीवन यापन करते थे एंड इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का टैक्स का. हेंस ऑल रूलर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड. इसलिए जितने भी रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, वो बहुत ही वर्क कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो क्रॉप्स की, ताकि उन्हें मैक्सिमम टैक्स या रेवेन्यू मिल सके. ओके, दे इवन इनकरेज पीजेंट्स टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, और वो फार्मर्स को इनकरेज करते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन को यूज कर सके फॉर एग्रीकल्चर. टू इनकरेज दिस मूव दे इवन एग्जेम्प्टेड पीजेंट्स फ्रॉम टैक्सेस इफ दे सक्सेसफुली डिड सो, और इसके लिए उन्होंने कई पीजेंट्स या फार्मर्स को टैक्स की छूट भी दी थी कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा. The peasants paid one third of the total produce as revenue. और जो भी उनका total produce पैदावार होता था, तो उसका एक तिहाई हिस्सा, one third हिस्सा king को देते थे, either by selling in the market, by giving cash or by giving crops. This later increased to half. फिर बाद में ये आधा हो गया. जो भी वो produce करते थे, आधा वो खुद रखते थे, आधा वो king को देते थे. The peasants could not be evicted from the land they cultivated as long as they paid the revenue. और peasants farmer को उनके land से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वो land emperor को देते रहेंगे. But the increasing demand for revenue rendered many peasants landless as they failed to meet the revenue requirements. लेकिन उस time क्या हुआ कि बहुत सारे peasants अपना revenue timely नहीं दे पाए और उनकी land छीन ली गई, जिसके कारण वो landless हो गए. This category of poor and landless peasants started working on the land owned by zamindars. और जिन किसानों की जमीन चली गई, तो वो जमींदार क्या रह के उनके जमीन पे काम करने लगे. They were paid in cash or even kind in lieu of their hard work on the land. और फिर वो जो जमींदार होते थे, उनको काम के अकॉर्डिंग या तो उनको ग्रेन्स दे देते थे या तो कैश दे देते थे, ताकि उनका लाइफ चलता रहे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर चिल्ड्रेन, एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स. ओके, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. टूडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन दीवाने खास एंड दीवाने आम. क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग मुगल टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज वॉट वॉज तोदरमल्स बंदोबस्त. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वॉज अ मनसबदार, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज वॉट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीर बख्शी. सो चिल्ड्रेन, दीज 5 क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू नोट डाउन इन योर होमवर्क कॉपी इन ए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके, एंड गो थ्रू द टॉपिक्स विच आई हैव टॉट टूडे, अंडरलाइन इट, रीड इट एंड राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, एंड इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर. Okay, so that's all for today. Thank you, class.